एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरला नाम की महिला अपनी बेटी प्रीता के साथ रहती थी। प्रीता दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन फिलहाल पूरे गांव भर में एक पृथ्वी नाम के लड़के के साथ प्रीता के अफेयर के चर्चे फैले हुए थे। पृथ्वी गांव का बदमाश लड़का था, जिसे बात करने तक की तमीज नहीं थी, पर प्रीता उस लड़के को ही अपना दिल दे बैठी थी। तभी सरला फैसला करती है कि वो जल्द से जल्द प्रीता के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेगी और उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देगी। कुछ दिनों बाद ही प्रीता के लिए एक करण नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसे प्रीता बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और इसी तरह कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुहागरात के दिन जब करण प्रीता के करीब होने की कोशिश करता है, तभी प्रीता उस पर हाथ उठाते हुए कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी। अपनी शक्ल देखी है, अगर तुम बेड पर सो रहे हो तो मैं नीचे सो जाती हूँ, बस मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, अब जाओ यहाँ से। लेकिन करण प्रीता को दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका था, इसीलिए तो वो प्रीता को बेड पर सुला देता है और खुद जमीन पर सो जाता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। हालांकि करण चाहता था कि वो जिस तरह से भी अपनी पत्नी को खुश रख सकता है वो रखे, पर प्रीता कहाँ करण को अपना पति मानती थी। इसीलिए तो उसने शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड पृथ्वी के साथ अफेयर चलाया। बेचारा अपनी पत्नी की सच्चाई से अनजान करण प्रीता के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहता था। वहीं दूसरी तरफ प्रीता के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। पृथ्वी ने प्रीता को खाने में जहर मिलाकर करण को देने के लिए कहा, और आखिरकार प्रीता अपने बॉयफ्रेंड की बात मानते हुए खाने में जहर मिला देती है और वो खाना अपने पति को खिला देती है। कुछ देर बाद ही जहर असर करने लगता है और करण तड़पने लगता है। उसकी सांसें थम चुकी थी, मुंह में झाग आ चुका था और वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार मान चुका था। करण के इन हालातों ने प्रीता को अपनी गलती पर पछतावा करने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी तो आखिरी सांसों में ही प्रीता तुरंत अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। कुछ देर बाद ही करण को होश आ जाता है, अब वो खतरे से बाहर था। इसी बीच प्रीता अपने पति से सच बोलते हुए कहती है कि करण मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था ताकि मुझे तुमसे छुटकारा मिल सके और मैं अपने बॉयफ्रेंड पृथ्वी के साथ अपना घर बसा सकूं। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिस शख्स ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा और हमेशा मेरे फेस पर स्माइल देखनी चाहिए, मैंने उसी की जान लेने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे वो कबूल है। तभी करण कहता है कि अरे पगली, तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यही बात पृथ्वी की, तो अगर तुम उसे छोड़कर मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो तो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। तभी प्रीता करण को अपने गले लगाती है और उसी दिन से पृथ्वी से दूरियां बनानी शुरू कर देती है, जिसके बाद अब करण और प्रीता एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे आज की हमारी इस कहानी के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।